साथियों नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपका दोस्त फाइडी। आप सब लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे उम्मीद कर रहा हूं। इस क्लास को आप लगातार एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को जारी रख पा रहे होंगे। साथियों, प्लस माइनस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी, आप लगातार हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं, आए हुए प्रश्नों पर बातचीत कर रहे हैं। DSSB और विभिन्न प्रकार की जो वन डे एग्जाम्स हैं उन सब परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने यहाँ पर स्थान दिया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं लगातार, आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता दिया करें, ताकि हमें और हौसला मिले और हमें उत्साह मिले और लगातार हम आप तक इस सीरीज पहुँचाते रहें। तो साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से, और चलते हैं हम सीधे सीधे हमारे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, देखिएगा और उत्तर बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक प्रश्न आने के बाद में 3 सेकंड का समय आपको, 4 सेकंड का, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। आप उत्तर लगा लें, उसके बाद आंसर बताया जाएगा और आप ये तय करें कि आप इन जितने भी एक सीरीज में यानी एक क्लास में हमारे जो सवाल होते हैं उनमें से कितने सवालों पर पहुंच पा रहे हो, यानी कितने सवालों का सही जवाब दे पा रहे हो। इस पर हम बातचीत करेंगे और आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि वास्तव में आपकी तैयारी किस हद तक की हो गई है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है। DSSB असिस्टेंट ग्रेड 3rd 14 फेब 2024 6th का ये सवाल है। आप इधर देखेंगे तो इसका सारा ब्यौरा लिखा हुआ है कि कहाँ से लिए सवाल उठाया गया है। तो देखिएगा, पेपर का सवाल है, पेपर में पूछा जा चुका सवाल है। ऐसे प्रश्नों पर हम बातचीत करेंगे। तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, इन सवालों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर करने का प्रयास करें। हथियार डाल देना एक मुहावरा है, मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। आपसे अर्थ पूछा है तो हथियार डाल देना दुविधा हो जाना होता है क्या? नहीं, हार मान लेना बिल्कुल सही है। लोग कहते हैं ना भैया, तो जन सामान्य की बात है, अरे भाई तुम तो लगातार तैयारी कर रहे थे, अभी से हथियार डाल दिए, मतलब हार मान ली क्या? ये इसका सही जवाब हो जाता है। बिल्कुल लोक प्रचलित मुहावरा है, बिल्कुल शानदार मुहावरा है। इसका आंसर तो आपको कर ही लेना चाहिए था। मार डालना नहीं है, प्रभाव जमाना ये भी नहीं है। इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन बी, राइट जी। अगला सवाल आएगा, सवाल पढ़ने के बाद में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? और समय शुरू होता है अब। पुस्तक किसकी है? पढ़ता बहुत है वह, 8-10 सेब खाया, उसने होली में खूब भंग डाला। भंग नहीं है यहां पर, रंग हो सकता था तब ये बात ठीक हो जाती। और 8-10 सेब खाया, तो भैया खाए होता यहाँ पर बहुवचन है, तो ये भी गलत हो गया है, ये भी गलत हो गया है। और देखो, वह ये करता है, तो करता तो हमारे यहाँ पर विधान है कि सबसे पहले आता है, इसलिए ये भी गलत हो जाता है। बचा अपने पास में केवल एक विकल्प है, ऑप्शन ए। इन सभी विकल्पों में से सबसे अच्छा जो विकल्प है वह है, वह पुस्तक किसकी है? वह पुस्तक किसकी है? और सामने प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इसलिए मैं इसके साथ जाना चाहूंगा दोस्तों, ऑप्शन ए सवाल नंबर 2 का बिल्कुल सही जवाब होता है, राइट। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से अंगारों पर लौटना मुहावरे का तात्पर्य क्या है? आपको यहां पर मुहावरे को रेखांकित कर लेना है। पहले मुहावरा देखिएगा, ढंग से पढ़िएगा, अंगारों पर लौटना मुहावरे का तात्पर्य बताइए, यानी अर्थ बताइएगा। ये देखिए, ये भी पूछा जा चुका सवाल है दोस्तों, उसी परीक्षा का ये सवाल है। तो आग पर लेटना, अगर आग पर लेटना और अंगारों पर लेटना अगर कहना था, तो फिर आग पर लेटना और अंगारों पर लेटना तो बात एक जैसी है, तो ये मुहावरा कैसे बना भाई? मर जाना नहीं होता है, अंगारों पर लौटने का मतलब होता है यह आदमी इतना कठिन काम कर रहा है जिससे इसको दुख हो रहा है, यानी बहुत ही कष्ट सहना, दुख सहना। दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है इसका, ठीक है। तो आप कौन सा इसका सही जवाब करेंगे दोस्तों? ऑप्शन सी, ठीक है। इस सवाल में फिर से आपको समय नहीं दिया गया, अगले सवाल में समय दिया जाएगा। अगला सवाल है, और समय है आपके पास में 5 सेकंड। सवाल पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों में से
पूजा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? दोस्तों फोकस यहां करना है, नहीं है पूछा है मत कर दे, क्योंकि इस विवाह इस जो है इस मतलब आप यूं कह सकते हैं कि इस वजह से हमारे दो तीन सवाल गलत हो जाते हैं कि हम सवाल को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ध्यान रखें कौन सी वजह से, कि सवाल को हम ढंग से नहीं पढ़ते। इस दुविधा के कारण हमारे दो तीन एक परीक्षा में दो तीन सवालों गलत होने की संभावना रहती है। तो अब से हम ऐसा नहीं करेंगे, पूरे सवाल को ढंग से पढ़ेंगे, उसका आंसर कहाँ से हमें आंसर निकालना है, सवाल का मूल क्या है, उस तक हम पहुंचेंगे। पूजा मूल है और क्या पूछा गया है, इस पूजा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पूजन, विटप, वंदना, उपासना, बहुत सरल है। पूजन पूजा का पर्यायवाची है, वंदना भी पर्यायवाची है, उपासना भी है, विटप तो जो है ना दोस्तों, और विटप तो शाखा का पर्यायवाची है, या तो आप शाखा कह दो या फिर वृक्ष कह दो। क्या कह दो दोस्तों? वृक्ष। तो बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये तीन तो हैं, इसका मतलब ये इसका सही जवाब नहीं बन सकते, राइट? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पर आते हैं। देखो सवाल, देखो निम्न में से मृदुल का विलोम शब्द क्या होगा? मृदुल, मृदुल यानी मुलायम, मृदुल यानी क्या होता है? मुलायम। ये वो मुलायम नहीं है, मुलायम सिंह यादव नहीं है, ये याद रखना। मृदुल यानी मुलायम यानी नरम, आप यूं कह सकते हैं। तो इसका विलोम शब्द ढूंढना है, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द ढूंढना, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द ढूंढना। कठिन, कठिन, कठिन का तो मतलब होता है सरल, का विलोम शब्द होता कठिन। देखो ये रहा सरल और ये रहा कठिन, तो ये तो आपस में विलोम शब्द ही है। खराब, ये अच्छा का विलोम शब्द होता खराब, अच्छा नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन हमारे सामने ले दे के एक ही बचा है, कौन सा? ऑप्शन बी, कठोर। मृदुल यानी मुलायम और कठोर मतलब बहुत हार्ड, आप यूं कह सकते हैं, राइट? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पढ़ें सवाल को और 5 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। बचपन शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बचपन, बहुत बेहतरीन सवाल है। बचपन किस संज्ञा का उदाहरण है? दोस्तों संज्ञा किसी नाम को कहते हैं आप जानते हैं, और संज्ञा के प्रकार जो होते हैं ना मित्रों, वो तीन होते हैं। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी वाचक? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक होती है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और एक होती है दोस्तों भाववाचक संज्ञा, कौन सी संज्ञा दोस्तों? भाववाचक संज्ञा। अब सर आप कहोगे कि जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक है, इनमें से देखो यहाँ पर द्रव्यवाचक पहला नाम, दूसरा वाचक समूहवाचक, तीसरा नाम जातिवाचक और भाववाचक, इनमें से व्यक्तिवाचक तो नाम ही नहीं आया सर। आप कह रहे हो तीन ही होती है संज्ञा, बिल्कुल तीन ही होती है, लेकिन दोस्तों ये दोनों संज्ञाएं जो हैं वह आपकी जातिवाचक के उपभेद हैं, यानी एक तो आपकी हो जाती है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक, एक हो जाती है आपकी समूहवाचक, समूहवाचक, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है आपको, ध्यान दें इस बात पर कि जातिवाचक के दो उपभेद हैं, एक तो द्रव्यवाचक होता है और एक समूहवाचक होता है। आपका इसमें से सही जवाब क्या बनेगा? बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, और बच्चे के अंदर बचपन का भाव होता है दोस्तों, तो ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है बचपन, कौन सी? भाववाचक, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बच्चा हो जाता दोस्तों जातिवाचक, जाति वाचक। तो इस सवाल का सही जवाब जो है आपका वो बनेगा ऑप्शन डी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखें। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल को पढ़ो और आंसर। सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची कौन है? पर्यायवाची कौन है, कौन है पूछा है, नहीं को आप नहीं याद करोगे, इसको भूल जाओगे। कौन है पूछा है, किसका? पर्वत का पर्यायवाची कौन है बताएंगे। देखो उपल, उपल,
ये दोनों तो पत्थर के पर्यायवाची, इसके हैं दोस्तों पत्थर के पर्यायवाची, राइट राइट सर। पंथी राही का पर्यायवाची है, आप इसको राहगीर भी कह सकते हैं, राहगीर भी कह सकते हैं, आप इसको दोस्तों पथिक भी कह सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अचल जो होता है, भूधर जो होता है, भूधर कह दो, अचल कह दो, भूमि ने जिसको धारण कर रखा है वो भूधर है, अचल जो चलता नहीं है वो अचल है, और इसको आप क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत कहते हैं, राइट। तो ऑप्शन बी मेरे हिसाब से इसका बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए, ठीक है। अगले सवाल पर आते हैं, ये रहा अगला सवाल। निम्नलिखित शब्दों में से गृहस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गृहस्थ, गृहस्थ देखो, जो घर या परिवार के साथ रहता है, जो वैवाहिक जीवन व्यतीत करता है उसे कहते हैं गृहस्थ, उसे क्या कहते हैं? गृहस्थ। और इसका विलोम यानी उल्टा अर्थ देने वाला यानी विपरीत अर्थ देने वाला होता है संन्यासी, जिसका घर से, जिसका सगे संबंधियों से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसका सही जवाब हो जाता है दोस्तों संन्यासी। संन्यासी एक जबरदस्त शब्द है, जिसमें अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो इसका समधन न्यासी होगा, समधन न्यासी। ये बेहतरीन व्यंजन संधि के उदाहरणों में शामिल है, क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, मकान नहीं, मकान का तो झोपड़ी हो जाता है, महल, महल का झोपड़ी, गोचर इसका अगोचर हो जाता है दोस्तों, अगोचर, गोचर जो आपके इंद्रियों के द्वारा महसूस किया जाता है, देखा जाता है, परखा जाता है, वो तो गोचर होता है, और जो इंद्रियों से अतीत हो, परे हो, उसको अगोचर कहते हैं। लाघव किसका पर्यायवाची है? गौरव का पर्यायवाची, किसका पर्यायवाची है? गौरव का पर्यायवाची, राइट राइट सर। अगला देखें, देखो पढ़ो सवाल को। लहना सिंह आंख समझ मारते मारते सब गए, ये एक वाक्य था दोस्तों। इस वाक्य को तीतर बीतर किया गया है, यानी इसका क्रम बिगाड़ा गया है। दिए गए शब्दों को सही क्रम में सजाने पर निम्न में से कौन से वाक्य की रचना होगी? यहां पर इनका क्रम सही रखना है, सारे शब्द तो यही रखे गए हैं लेकिन क्रम उल्टा सीधा रखा गया है, इस वजह से जो सही वाक्य बनना चाहिए वो वाक्य आपको छांटना है। तो इसका सही वाक्य देखना, सबसे पहले आपने लिया आंख, और फिर लिया आपने मारते मारते, और लहना सिंह सब समझ गया। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सटीक बन जाता है, इसका अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इससे बेहतर और कोई सा मुझे मिलेगा नहीं। देखूंगा मैं आगे, आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। लहना सिंह एक किरदार का नाम है दोस्तों, एक बेहतरीन कहानी है। उसने कहा था एक बेहतरीन कहानी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, इसकी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, उसने कहा था। इसमें एक पिक्चर का सीन जैसे आपको नजर आता है वैसे है, आप चाहें तो इसे, इस कहानी को पढ़ सकते हैं और देखिएगा। दूसरा विकल्प, लहना सिंह सब समझ गया था आंख मारते मारते, नहीं ये गाना नहीं बना रहे हो आप, लिरिक्स नहीं जोड़ रहे हो, राइट। सब समझ गया था आंख मारते मारते लहना सिंह, अरे भैया ये तो लास्ट में आपने कर्ता को लास्ट में रखा हुआ, ऐसे कैसे होगा? देखो सब समझ गया लहना सिंह, बीच में कर्ता को लाए, पहले क्रिया को रख दिया आपने, क्रिया को रख दिया, ऐसे भी नहीं होता है दोस्त। तो इसलिए इसका सही जवाब बन जाता है, राइट। अगला सवाल बहुत अच्छा है, बिल्ली के गले में घंटी लोकोक्ति का उचित अर्थ बताएं। देखो बिल्ली किसका शिकार करती है? या तो कबूतर का, और या चूहे का, राइट। और देखो बिल्ली के गले में अगर घंटी बांध दो, क्या बांध दोगे? घंटी बांध दोगे तो कबूतर उड़ जाएगा, चूहा भाग जाएगा। अब कबूतर उड़ रहा है, चूहा भाग रहा है, तो बिल्ली के लिए तो बड़ा मुश्किल काम हो गया ना शिकार कर। पता चल जाता है घंटी बज रही है, कबूतर के पास आई बिल्ली, कबूतर उड़ गया, चूहे के नजदीक आएगी, चूहा भाग गया। क्यों? क्योंकि घंटी इसका संकेत दे रही है कि बिल्ली आ चुकी है। तो
है दोस्तों, कितना कठिन काम हो गया बिल्ली के लिए अपना भोजन जुटा पाना, किसी काम का न होना। नहीं, दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं होता है, काम का न काज का अर्थ दुश्मन अनाज का। यहाँ पर ये लोकोक्ति चलती है, हमारे गांव में माताएं खूब कहती हैं। दिखावटी होना, नहीं ये भी नहीं है। ऊंची दुकान, फीके पकवान, वो भी नहीं है। घमंड करना, ये भी नहीं है दोस्तों। और कठिन काम पूरा करना, घंटी बांधने के बावजूद उस शिकार को प्राप्त कर लेना, यानी बहुत मुश्किल काम करना दोस्तों। चेतावनी देकर के किसी काम को करना अपने आप में कठिन हो जाता है, इसलिए ये इसका सही जवाब बनेगा, ऑप्शन डी। अगले सवाल पर आते हैं, सवाल को पढ़ो। सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सर, ये वो सर नहीं है, वाई डी सर, कौन से सर नहीं है दोस्तों, वाई डी सर नहीं है, ना ही ये कार्तिक सर है, कार्तिक सर, ठीक है। तो ये कौन से सर है भाई? ये सर का मतलब होता है ताला, सर का मतलब होता है सरोवर, सरोवर, सरोवर या फिर ताला। इसमें एक ही विकल्प इसको फॉलो कर रहा है। इसमें पूछा क्या है, अर्थ पूछा है ना दोस्तों, क्या पूछा है, अर्थ पूछा है। तो सही जवाब क्या बन जाता है, सही जवाब बन जाता है ऑप्शन ए, बादल नहीं होता है। बादल मेघ का पर्यायवाची है, मेघ का पर्याय, वारिद का पर्यायवाची है, और सांप सर्प ध्यान रखें, और अर्क, अर्क यानी जो है आप एक सर्किल बनाते हैं, सर्कल का पर्यायवाची, ठीक है। अर्क वैसे सूर्य का पर्यायवाची भी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अगला देखिएगा, आग पर पानी डाल, आग पर पानी डालोगे तो आग बुझ जाएगी, और पूछा है मुहावरे का सही अर्थ बताइए, उचित अर्थ बताइए, तो आप बता दें एक बार। देखो मैं बताता हूं, गुस्सा होना, नहीं भाई, आग में घी डालना होता तो और हो जाता, गुस्सा पहले से गुस्सा आ रहा है और भड़का दिया, तो ये तो आग में घी डालने वाली बात हो जाती। शांत रहना या शांत करना बिल्कुल ठीक है, किसी आदमी को गुस्सा आ रहा है तो वो आग की तरह आग बबूला हो रहा है, आग बबूला होना अत्यधिक गुस्से में होना, और उस पर पानी डालना यानी उसके गुस्से को शांत करना, जैसे आग पर पानी डाल दिया, भाग जाना, 9 2 11 होना, दुखी होना, ये भी इसका सही जवाब नहीं है, इसलिए सही जवाब बन जाता है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए अगला, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से खाना का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, खाना, खाना का अनेकार्थी शब्द क्या होगा, क्या उत्तर करोगे दोस्तों? खाना, वस्तु नहीं, सोना नहीं, भाग बिल्कुल, खाना, खाना यानी एक भाग, ये खाना आपने छोड़ा हुआ है, ये एक हिस्सा आपने छोड़ा हुआ है, एक खाना, खाना पूर्ति करते हैं ना, ये इस जगह भी भर दी, इस जगह भी भर दिया आपने, इस जगह भी भर दिया, और ये होती है आपका हर पार्ट को आपने फुल किया हुआ है, इसका मतलब ये खाना पूर्ति कर दी, क्या पूर्ति कर दी दोस्तों? खाना पूर्ति, हर भाग को आपने भरा हुआ है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, राइट। अगला, चिराग तले अंधेरा, चिराग यानी दिया, चिराग यानी उजाला, चिराग यानी दिया या उजाला, के तले अंधेरा, बिल्कुल दिए के तले अंधेरा होता है, यानी नीचे, मतलब जहां चीजों की उपलब्धता होती है वहीं वह चीज उपलब्ध नहीं होती है, तो उसको कहते हैं दिए तले अंधेरा। लोकोक्ति का उचित अर्थ बताना है, काम न जानना, काम न जानना, कोई भी काम नहीं जानना, नौसिखिया होता है, नौसिखिया, नौसिखिया मतलब इसको कोई भी काम आता नहीं, ठीक है, नौसिखिया। और एक काम से दूसरा काम हो जाना, नहीं भैया, अधिक लाभ होना, नहीं, अपनी बुराई नहीं देखना, हाँ जी, वो जो लोग होते हैं जिनको दूसरों में कमियां देखते रहते हैं लेकिन अपनी बुराई नहीं दिखती, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है ये तो भैया चिराग तले अंधेरा है, खुद को तो खुद का पता ही नहीं है ना, ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ये सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। अगला देखो, सुबह हुई और भोरे गुंजार करने लगी, ये देखो
और शब्द जुड़ा हुआ है, और निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों मिश्र वाक्य का प्रकार होता है, संयुक्त वाक्य का प्रकार होता है, ये उपवाक्य। तो इनमें से ही जो वाक्यांश होते हैं उनको उपवाक्य कहते हैं, सरल वाक्य का प्रकार है। और ये किसके आधार पर है दोस्तों? प्रयोग के आधार, प्रयोग के आधार पर है, राइट। प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद है, ठीक है। तो जहां भी आपको और दिखता है दोस्तों, दो उपवाक्यों के, दो स्वतंत्र उपवाक्यों के बीच में और दिखाई देता है, वहां पर आप कौन सा वाक्य करते हैं? संयुक्त तो वाक्य करते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और वाक्य के लिए आपके जो पेड क्लास है उसमें मैं हमने आपकी जो है पूरी एक क्लास डाली हुई है वाक्य को लेकर के, और जीरो से लेकर के अंत तक हम वाक्यों पर डिस्कस कर रहे हैं, बड़ा खोल करके हमने चर्चा की है, तो वो क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। निम्न में से किस प्रकार का वाक्य है? तो आपने बता दिया, यह मिश्र वाक्य नहीं है, यह सरल वाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य है, राइट। राइट, आगे। निम्न में से अन्वय का संधि विच्छेद बताइए। बता देंगे भैया अन्वय का संधि विच्छेद। इसमें एक तो अनु है और एक ए जुड़ा हुआ है, तो अनु का उ निकल करके उसका हो जाएगा वह, और न बच जाएगा आधा, तो ए न, और इसका ए जुड़ जाएगा वह में, और बच गया कौन? यह बच गया दोस्तों। तो शब्द बना अन्वय, क्या बना? अन्वय शब्द बना। और ऐसा दोस्तों होता है यण संधि में। यण संधि किसका पार्ट? यण संधि है दोस्तों स्वर संधि का भाग। कौन सी संधि का भाग है? स्वर संधि का, राइट। ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? अनु वह मत कर देना दोस्तों, अन्य वह नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अनु धन ए, बिल्कुल ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला देखें, निम्नलिखित शब्दों में से झोपड़ी शब्द का विलोम शब्द क्या? झोपड़ी, तो झोपड़ी तो आप जानते हैं, झोपड़ी का विलोम शब्द तो महल होगा। क्या होगा? महल होगा। खपड़ा, होटल, झोपड़ा ये नहीं होगा। ये खपड़ा तो होता ही क्या है, और होटल नहीं होगा दोस्तों। इसका सही जवाब बनेगा महल। झोपड़ी का विलोम शब्द महल होगा। देखें, परोपकार का सही संधि विच्छेद बताइए। ये होगा दोस्तों पर, और ये है आगे उपकार। और दोस्तों यहां पर तो है ए और आगे है उ, ए और उ मिलकर के दोस्तों बनता है ओ। इसलिए मैं इस पै को पै रख लेता हूं, इस रे में मैं ओ जोड़ देता हूं, तो हो गया परो। और इस उ को तो हमने काम में ले ही लिया, तो बचा हुआ कौन है? पकार। तो ये लो दोस्तों आपका पकार शब्द बना परोपकार। क्या शब्द बना? परोपकार। ध्यान देना, ऐसा कौन सी संधि में होता है कि ए आ के बाद में उ आ जाए, री आ जाए या ई आ जाए? ऐसा होता है प्यारे साथियों गुण स्वर संधि में। गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि किस कौन सी संधि का एक पार्ट है? स्वर संधि का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रख लेनी है, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है परोपकार, राइट। राइट सर, अगला सवाल देखिए, बेहतरीन है, खुद पढ़े आंसर करें। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य ढूंढना है। उसने एक मोती का हार खरीदा। अरे भाई, एक मोती का हार कैसे बन सकता है? मोती एक ही है, तो फिर हार कैसे बनाओगे उसका? एक मोती का हार थोड़ी बन सकता है। उसने मोतियों का एक हार खरीदा, ये होता तो ठीक होता, मोती पहले आता और मोती यूं आता, तो एक मोती का तो नहीं, कम से कम मोतियों का एक हार खरीदा तो ठीक हो जाता, ये तो गलत है। उजली घास गाय चर रही है। अरे गाय उजली घास चर रही है, ये होता तो गाय चरने वाली है, तो करता पहले आता दोस्तों, ये भी मेरे अंदाज से बिल्कुल गलत बन जाता है। उजली घास बाद में आता, गाय उजली घास चर रही है। लेकिन इससे आगे वाला देखते हैं क्या ठीक है। एक हवाई जहाज दूसरे का पीछा कर रहा है, दूसरे हवाई जहाज का पीछा कर रहा है दोस्तों, दूसरे का नहीं आएगा यहाँ पे, दूसरे हवाई जहाज का पीछा कर रहा है, हवाई जहाज का पीछा, ये होता तो ठीक होता, ये भी गलत है यहाँ पर।
और वह अंडे में पानी उबालकर खाती है। नहीं भैया, वह अंडे पानी में उबालकर, वह अंडे किसमें? पानी में उबालकर खाती है, राइट? ये हो जाता, लेकिन अभी तो ये गलत है, इसलिए इन चारों ही विकल्पों पर मुझे आपत्ति है। आपको भी आपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल इनका क्रम जो है वो ठीक ठीक नहीं बैठ रहा है। तो शुद्ध वाक्य इनमें से मुझे कोई भी नहीं लगता है, इसमें कोई मिस प्रिंट हो सकता है। तो यहाँ पर इनकी शुद्धता जो आप परखेंगे, वो कैसे परखेंगे? इनको इस प्रकार से लिख लिख करके इनकी शुद्धता की जांच करें, राइट दोस्तों? हाँ जी, तो ये आज की क्लास का अंतिम सवाल मैं रख लेता हूं दोस्तों। आज की क्लास का ये अंतिम सवाल आपके लिए ये रहा, देखिएगा और इसका आंसर कीजिए। सवाल क्या है? बेहतरीन है सवाल, सवाल को पढ़िएगा दोस्तों, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल है, निम्न में से परिच्छेद का संधि विच्छेद बताइए। परिच्छेद का संधि विच्छेद कौन नहीं बता देगा? परि के बाद में अगर क्या आ जाए दोस्तों? छ आ जाए, छेद। तो ऐसा होता है व्यंजन संधि। कौन सी संधि में होता है? व्यंजन संधि में होता है जब रि के सामने परि उपसर्ग के बाद में छ आता है, तो बीच में अर्धाक्षर च का आगमन होता है। अर्धाक्षर च का क्या होता है? आगमन होता है। तो इसलिए जो शब्द बनेगा, आधा च आ गया और छेद लिखा जाएगा ऐसे, कैसे? परिच्छेद। इसका मतलब यहां पर ये भी गलत है, छेद तो नहीं होना चाहिए ना, ये अनुस्वार आ गया, ये पारी नहीं है भाई, ये परी है, तो ये भी बिल्कुल गलत हो गया। प्री ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं है, इसका मतलब बचा हमारे सामने केवल एक विकल्प, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस क्लास को देखने के लिए आपका ढेर सारा धन्यवाद। तो मिलते रहिए, बने रहिए, लगातार जुड़े रहिए और लगातार इसको सपोर्ट करते रहिएगा, क्लास को देखते रहिएगा प्यारे साथियों। क्लास कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता दिया। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।